जबलपुर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि लाडली बहना योजना केवल 1,000 रुपये प्रति माह पर ही नहीं रुकेगी, बल्कि इसे धीरे धीरे 3,000 रुपये प्रति माह तक लाया जाएगा। हालांकि इसके लिए बहनों को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस की नारी सम्मान योजना इसके आगे बौनी दिखाई दे रही है। सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के खाते में 1,000 की राशि आने पर काफ़ी संतोष और खुशी जताई है। उन्होंने इस शुरुआत को लेकर लाडली बहनों को संदेश दिया है कि ये योजना देश की सबसे बड़ी और महिलाओं के सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण योजना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को झटका दे दिया है। अब कांग्रेस नए सिरे से नारी सम्मान योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। ये योजना शुरू तो 1,000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1,000 नहीं दूंगा, अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहनों, तुम्हारे भाई ने 1,000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1,000 रुपया से इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1,250 रुपया कर दूंगा, और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1,500 रुपया महीना, 1,500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1,750 रुपया करूंगा, और उसके बाद फिर 2,000 रुपया महीना कर दूंगा, और 2,000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2,000 से 2,250, 22 से बाद में 2,500, 2,500 से 2,750, और जिस दिन मौका मिल गया 3,000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी, हर महीना 3,000। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर पलटवार किया है। नारी सम्मान योजना के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाने का ऐलान किया था। इसी योजना के जवाब में सीएम शिवराज ने योजना को 3,000 रुपये प्रति माह तक ले जाने का वादा कर लिया है। इससे कांग्रेस की नारी सम्मान योजना फीकी दिखाई देने लगी है। अब कांग्रेस भी इस योजना के जवाब में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।